हरियाणा के टोहाना में एक युवक के साथ सस्ता सोना दिलाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित युवक ने बताया कि कैथल के फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी के घर उसका आना जाना था, जिसके चलते आरोपी ने उसे अपनी बातों में फंसा लिया। शिकायत के मुताबिक आरोपी ने कहा कि उसे 13 लाख रुपए दे दे, वह उसे नेपाल के रास्ते सोना लेकर देगा। उसके बाद उस अपने आड़ती से 9 लाख रुपए और घर से 4 लाख रुपए मिलाकर उसने 6 अप्रैल को अपने भाई के सामने आरोपी को दे दिए। संदीप ने कहा कि वह उसे 22,000 रुपए तोले के हिसाब से नेपाल से सोना लाकर देगा, लेकिन एक महीने बाद भी सोना नहीं लाकर दिया गया तो उसने फोन किया तो आरोपी ने फोन उठाना बंद कर दिया। कल एक जगवीर पुनी आठवाणा से उसने एक कंप्लेंट फाइल की थी, 12 लाख रुपया मैंने 12 लाख रुपया सोना कैथल से किसी व्यक्ति से लेना किया था, तो बार बार वो पैसे लेके इसके साथ चीटिंग कर रहा था। इस बारे में रोज शीघ्र उसको शामिल तफ्तीश करके पता नहीं कर रही थी। के नाम पे दिया गया था? हाँ, वो तो तफ्तीश का विषय है, जो भी बातें आगे आएंगी पूछताछ के बाद में। टोहाना से सुशील सिंघला की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।